नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, देख सकते हो ये जो अभी बात करूंगा स्टॉक के बारे में, ये बेस्ट स्टॉक था हमारा जनवरी महीने के लिए और काफी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। 10% का टारगेट ऑलरेडी हमारा अचीव हो चुका है जैसे मैंने आपको बतलाया था। तो मैं अभी स्टॉक का नाम आपका शेयर नहीं करूंगा, अभी आपको क्लिप चलाऊंगा मैं, और मात्र 8-9 दिन के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो आप इसको लक्की समझो या इसको एनालिसिस समझो, जो आपको समझना समझो, लेकिन आपको क्या सीखने को मिला वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो कैसे प्रोजेक्शन बनता है, मतलब बनेगा, वो तो मैंने बताया था वो बनेगा, लेकिन कैसे बन गया है वो देखो सीखो कि मैंने कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया। मैंने आपको बतलाया था कि मैंने इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किया था, तो आप भी चाहो तो प्रैक्टिस में कर सकते हो इस चीज को, और आप भी हर महीने 10% 5% का रिटर्न गेन कर सकते हो खुद के स्टॉक सिलेक्शन के तरीके को फॉलो करते हुए, जो तरीका मैं आपको बतलाऊंगा। तो आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और डेफिनेटली आपको 10% से ज्यादा ही मिल सकता है, ठीक है? तो वीडियोस को अंत तक देखना, लाइक पक्का करना, मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाऊं। और 10% का रिटर्न मात्र 10 दिनों के अंदर छोटी बात नहीं भाई, मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है। तो मेक श्योर लाइक करना, फ्री में आपको इतना अच्छा वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा है जिसमें आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट रिस्क प्रोफाइल को फॉलो करोगे। स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही एक चीज है जो काम करती है, और मनी मैनेजमेंट, हाउ टू कट योर लॉस, मतलब अपना लॉस को कम करो। लॉस को कम कैसे किया जाता है, एक तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके, ग्रेड को कंट्रोल करके, इमोशन को कंट्रोल करके, ये सब आता है आपके किसका, मनी मैनेजमेंट को कम करके, मतलब यूज करके। अगर सो यूज करोगे तभी ये सब चीजें कंट्रोल हो पाएगी। और दूसरा, स्टॉप लॉस जो आपको देता हूँ उसको अप्लाई किया करो, ठीक है? तो देखो पुरानी क्लिप, उसके बाद आगे लेके चलूंगा, करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जनवरी महीने के लिए अच्छा स्टॉक कौन सा है, वो है जेपी एसोसिएट। पर्सनली मुझे चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। पर्सनली मिल ले, देखो मैंने डेली चार्ट पैटर्न खोला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक एक अपर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ये देखो एक रजिस्ट्रेशन एरिया है, मतलब इसको अपर ट्रेंड बोल लो, और ये सपोर्ट एरिया बनता है, ठीक है? लगातार सपोर्ट एरिया में सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल वही सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर जा रहा है। तो एज पर दिस एनालिसिस स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर आप खुद देखोगे तो ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया, तो ये टारगेट स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। देखो ये एक चैनल बन चुका है, ठीक है? एक चैनल बन चुका है, मैं चैनल दिखा देता हूँ आपको। देखो ये चैनल बन चुका है, ठीक है? एक सेकेंड, देखो ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पर, जो निकल के आता है 10 रुपए के आसपास का, एक रेजिस्टेंस बन सकता है 10 रुपए 80 पैसे के आसपास का, ठीक है? तो 10 रुपए 80 पैसे का एक रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है एक हरी कैंडल तो स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी। तो आप दो काम कर सकती हो, ठीक है? दो काम क्या करोगे बतलाऊंगा, पहले एक चीज और देखो, एक सपोर्ट एरिया 1, 2, 3, 4, जिसका मतलब ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, चांसेस हाई है। आप दो काम क्या करोगे, या तो आप यहाँ पर अगर अग्रेसिव कर सकते हो, मतलब बहुत अग्रेसिव प्लेयर हो तो यहाँ आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है? लेकिन जो सेफ खेलना चाहता है वो ब्रेकआउट के ऊपर बाय करे, इस कैंडल के ऊपर बाय करे, ठीक है? जो सेफ खेलना चाहता है, यहाँ पर आपका देखो भाई, यहाँ बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा, यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन देखो बात तो ये ना, आप रिस्क कहाँ ले रहे हो, यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा, यहाँ रिस्क कम है तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहेगा इसके कंपैरिजन, इस व्यक्ति के कंपैरिजन। अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है या फिर नॉर्मल व्यक्ति है जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है। बाकी आरसीबी देख सकते हो 52 के आसपास है, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आता है, उसका एक आपको रीजन बता देता हूँ। देखो अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ मंथली कैंडल में, तो आपको दिखेगा एक रीजन। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें बनना है मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है, ठीक है? देखो यहाँ बना था फर्स्ट, ठीक है? इसमें लगातार ये सपोर्ट ले रहा है, देखो सपोर्ट के काम कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो 7 रुपी का स्टॉप लॉस लगा लो। क्या बोला, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो जेपी एसोसिएट को, तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है? टारगेट कम से कम डबल, मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 16 रुपए का टारगेट रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ 16 से लेके 20 रुपए के टारगेट, ठीक है? अगर स्टॉक ने हमें 14 रुपए का हाई तोड़ दिया तो स्टॉक आपको 28 रुपए के टारगेट दिखाएगा। 14 रुपए का अगर हाई तोड़ दिया, वहां एक हफ्ता बिता लेता है, तो स्टॉक आपको 28 रुपए के टारगेट दिखाएगा, समझ आ गया? 3 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 30 रुपए के टारगेट के इंतजार कर सकते हो, वह है लॉन्ग टर्म की बात। अब बात करें शॉर्ट टर्म की, कि मुझे भैया 10% रिटर्न चाहिए, तो देखो मंथली, यहाँ पर भी मंथली इनसाइड का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बनना ना, ठीक
प्यारा सा। तो अगर आप यहाँ बाई करोगे तो स्टॉक यहाँ से यू टर्न लेके नीचे भी आ सकता है, एक कंडीशन ये भी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, आप या तो इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो जो निकल के आता है 11 रुपए 50 पैसे, तो 11 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, और स्टॉप लॉस जाएगा आपका 8 रुपए 80 पैसे। तो ये 2 रुपए का आपका रेंज निकल के आता है, ठीक है, जो टारगेट रहेगा डबल, मतलब इसका कैलकुलेट कर लो डबल कितना होता है, या फिर जैसे ही आपको देखे कि 10% का गेन आ गया आपके पोर्टफोलियो में, 10% 20% का एग्जिट मार दो। 10% मिनिमम है, मैक्सिमम 220% 230% हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, या फिर एक काम और कर सकते हो, मान के चलो आपको 200 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं ले रहा हूँ, 100 क्वांटिटी आप अभी बाय कर लो, ठीक है, 100 क्वांटिटी आपने अभी बाय कर ली अभी के अभी स्टॉप लॉस के साथ 8 रुपए 80 पैसे, 100 क्वांटिटी आपने हाई में बाय कर ली, तो इससे आपकी एवरेजिंग हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए 80 पैसे रहेगा, और आपको तकलीफ भी नहीं होने वाली। मतलब देखो, अगर मान के चलो यहाँ आपने भाई 100 क्वांटिटी बाय करी और स्टॉक अगर नीचे गिर गया तो आपका 100 रुपए का लॉस होगा मात्र, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है। लेकिन अगर आपके मान के चलो ये स्टॉक यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो आप बोलोगे यार मैंने अगर उस समय बाय कर लिया होता तो 100 रुपए छोड़ो मुझे काफी अच्छा पैसा बन जाता, बन जाता, सही बात है। तो आप क्या करोगे, रिग्रेट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए रिग्रेट की। तो आप दोनों काम कर सकते हो कि 100 यहाँ बाय कर ली, 100 यहाँ बाय कर ली, बस सिंपल से बैठो आराम से फिर, ठीक है। तो मेरा ये बेस्ट स्टॉक है जनवरी महीने का, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ट पैटर्न, मैं पर्सनली इस स्टॉक को बाय करूंगा। तो दोस्तों सुना आपने मैंने क्या बताया था, मैं भी खुद स्टॉक को बाय करूंगा। आप स्टॉक को या तो यहाँ बाय कर सकते थे या तो यहाँ बाय कर सकते थे। तो यहाँ से अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, 11:30 का इसका हाई है, ठीक है, 11:35 की हमारी बाइंग होगी, तो 12:80 का इसने आज हाई लगाया है। तो रिटर्न कैलकुलेट कर लो भाई कितना रिटर्न आता है। मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो 10% का था, जो आ चुका है। बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट आपको पता है, अगर आप होल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो, पर्सनली मैं तो होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो रिटर्न चाहिए थी मैंने कमा लिया स्टॉक से, ठीक है। देखो 14% 12% कैसे का गेन आ चुका है, तो मतलब ठीक है यार, मतलब है ना। तो शॉर्ट टर्म काफी टारगेट आ चुका है, लॉन्ग टर्म टारगेट आपको पता है, आपको क्लिप में मैंने बतला दिया है। अब बात करते हैं इंटरडे में कैसा हो रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटरडे वॉल्यूम, ठीक है, ऑलमोस्ट देखो यार 26 लाख शेयर लोग खरीद लेके गए हैं। और एनएससी की बात करता हूँ तो एनएससी में 1 करोड़ शेयर लोग खरीद लेके गए, 38% की डिलीवरी आज उठाई गई है स्टॉक, ठीक है। तो भाई देखो पैटर्न आपको समझ आ गया, क्यों दिया था स्टॉक मंथली में इनसाइड पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था, ठीक है, तो ये वो रीजन था, ठीक है। देख लो आप, एक यहाँ बना एक ये बना, अगर स्टॉक ये रजिस्ट्रेशन तोड़ता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक नीचे गिरेगा फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और दोबारा स्टॉक सपोर्ट लेगा, ध्यान रख लो 11:40 में सपोर्ट लेगा दोबारा। तो जिन्होंने स्टॉक को बाय नहीं किया वो 11:40 में दोबारा स्टॉक को नजर में रख सकते हैं। क्या बोला, स्टॉक अगर ऊपर जाना है स्टॉक को, तो यहाँ रजिस्ट करेगा, उसका नीचे गिरेगा, फिर दोबारा से स्टॉक नई जर्नी कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन उसको 11:40 में सपोर्ट लेना पड़ेगा। प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी प्रॉपर्टीज में काम करता है। समझ आ गया कि 11:40 सपोर्ट क्यों लेगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस ये 14 रुपये के आसपास का है, और रीजन भी आपको समझ आ गया शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्टॉक मैंने क्यों चूज किया था, समझ आ गया। तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने पैसा कमाया है इसमें तो नीचे कॉमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में या वीडियोज में, राइट। और एक और चीज, हाँ, जिनको नहीं पता है, हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको संडे वाली प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो मेक श्योर आप मैसेज कर दो ना, कर देना मुझे, टेलीग्राम में कर दो, ट्विटर में कर दो, या फिर इंस्टाग्राम में कर दो। इंस्टाग्राम की जो आईडी रहेगी वो आपके सामने, रियाज स्टॉक्स करके। और देखो भाई प्लीज हाई हेलो मत करना, आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उसको शेयर करने के बाद टैग या स्क्रीनशॉट मैसेज करना है। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको प्राइवेट क्लास का लिंक दूंगा। क्लास 38 हो चुकी है, लास्ट संडे मैंने स्कैल्पिंग के बारे में बात करी है कि पावर ऑफ स्कैल्पिंग, कैसे मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ और अच्छे तरीके से काम करता है। पर दिक्कत क्या है, डे ट्रेडिंग में आपको बैठना पड़ता है। अगर आप बैठ सकते हो तो भाई मोस्ट स्वागत है आपका डे ट्रेडिंग में, नहीं बैठ सकते तो स्विंग और पोजिशन करो मस्त, बस स्टॉप लॉस के साथ और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक।